बता दोगे क्या? देव ऋषि नारद बोले कोई बात ना, बोले बाबा नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम तो उनकी पत्नी हो, तुम ही बताओ। का पूछो का सवाल ये है, भोले बाबा जो अपने गर्दन में मुंडों का हार पहने हैं, जिसमें सिर ही सिर नजर आ रहे हैं, और ये सब सिर किसके? जो तने शब्द सुने हैं, पार्वती तो घड़ी की घड़ी रह गई। पार्वती बोली है, नारद ये बात तो मैंने भोले बाबा से कभी नहीं पूछी, और तुम जाओ, भोले बाबा जब आएंगे हम उनसे यही सवाल करेंगे, अब जाओ। अब रुई की ढेरी में चिंगारी लगाने के बाद नारद धीरे से निकले आए। संध्या जब रही तो भोले बाबा कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो पार्वती ने रोटी तक की नहीं बूझी। वही सवाल पड़ोस दिया, बोला एक बात पूछना चाहती हूं। बात ये है, अपने गर्दन में जो ये मुंडों का हार पहने हो, इसमें सिर ही से नजर आ रहे हैं, और ये सब सिर किसके हैं? और जो इतने शब्द भोले बाबा ने सुने, मन ही मन में सोचने लगे, मालूम पड़ता है कि नारद की फेरी लग गई, मालूम पड़ता है कि नारद घूम गए। भोले बाबा बोले, पार्वती तुम्हें इससे क्या मतलब है? हमें भूख लगी है, खाने के लिए भोजन दे दो। पार्वती बोली, प्रभु हम नहीं मानेंगे, हमें ये बताओ ये सब सर किसके हैं? अब पार्वती जब जिद ठानेंगे तो भोले बाबा बोले, पार्वती तुम बिना मतलब में जिद ठाने, और अगर हमने तुम्हें बता दिया तो तुम्हें बहुत बड़ा कष्ट होगा। पार्वती बोली, कष्ट? हाँ, काय का कष्ट? भोले बाबा बोले, नहीं मानती हो तो सुनो, ये जितने सिर तुम हमारी गर्दन में देख रही हो ना, ये सब सिर तुम्हारे हैं, हमारे, हाँ तुम्हारे, तुम मरती रहती हो, तुम्हारा जन्म होता रहता है, ये सब सिर तुम्हारे हैं। जो इतने शब्द पार्वती ने सुने, पार्वती बोली, प्रभु मैं मानना नहीं चाहती, हमें मानने से बड़ा डर लगता है, मैं तो अमर होना चाहती हूँ, हमें अमर कर लो। भोले बाबा बोले हैं, पार्वती ऐसे अमर नहीं होगी, हम तुम्हें कथा सुनाएंगे जिससे तुम्हारा उद्धार होगा। पार्वती जब जिद ठानी गई है तो भोले बाबा ने अग्नि से आदेश किया है कि तुम जंगल को जाकर के खाली करो, पार्वती को हम कथा सुनाएंगे। चलिए है अग्नि, वन में जब पहुंचे हैं तो जाकर के पशु पक्षियों को जला जला करके भगा दिया, लेकिन एक कमी हो गई उस वन में, कमी कौन सी कमी? उसी वन में एक वृक्ष परी के डाली पर तोते का अंडा रखा हुआ था, उसमें अग्नि नहीं पहुंच पाई। भोले बाबा पार्वती को साथ लेकर के गए, बड़ा सुंदर सा आसन लगाया और कथा सुनाने के लिए वहां बैठ गए। कथा कहते समय में इतना लीन हो जाता हूं,
जब मुझे अपने शरीर तक का ध्यान नहीं रह पाया, और तुम्हें काम करना सोना नहीं, बीच बीच में हुंकारा देती रहना, ठीक है ना। पार्वती बोली, प्रभु हम सोएंगे नहीं, हम तो कथा सुनेंगे, हम तो अमर होना चाहती हैं, मैं मरना नहीं चाहती। भोले बाबा बोले, तुम घबराओ नहीं। अब भोले बाबा कथा सुनाने लगे, पार्वती कथा सुनने लगी, थोड़ी देर प्रसन्न भी रही, सुनती रही। हुआ क्या, होना क्या था, कहा सुनती रही और जब नींद आ गई तो पार्वती गहरी नींद में सो गई। समय के अनुसार उस अंडे से एक बच्चा बन गया, पार्वती के पास उड़ करके बैठ गया। अब भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, लेकिन वो तोता बीच बीच में हुंकार भरने लगा। कथा जब पूर्ण हो गई तो भोले बाबा बोले हैं, पार्वती कथा सुन ली तुमने, हमारो हो गई, अब नहीं बोलोगी। पार्वती बोली, प्रभु कथा मैंने भी कथा नहीं सुनी। मतलब ये, हम तो सो गई। भोले बाबा बोले, जब तुम सो गई तो बीच बीच में ओंकारा कौन करता था। भोले बाबा का क्रोध आ गया, और जैसे ही उस तोता ने भोले बाबा के क्रोध को देखा तो तोता उड़ करके भाग खड़ा हुआ। भोले बाबा सोचने लगे, बाजी बा माना पड़ता यही हमारा चोर है। त्रिशूल लेकर के भगवान शंकर उसके पीछे पड़ गए। तोता तीनों लोकों में भागता रहा, लेकिन छिपने की कहीं जगह नहीं मिली। क्या देखा है सो तोता ने, कि व्यास की पत्नी छत के ऊपर खड़े होकर के जमुआई ले रही है। तोता ने छोटा सा रूप बनाया और मौके द्वारा पेट में चला गया।
भोले बाबा व्यास के पास पहुंच गए। बोले व्यास, अरे तुम्हारे घर में चोर छुपाया भाई, बाहर निकालो उसे। व्यास बोले महाराज, मैं तो सुबह से दरवाजे पर बैठा हूँ, यहाँ तो कोई नहीं आया। तब तक उनकी पत्नी सामने पहुंच गई, बोली भगवान हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर एक तोते का बच्चा चला गया। व्यास ने दोनों हाथ जोड़े हैं, बोले बाबा अगर ऐसी बात है तो पहले हमारी पत्नी का वध करो, उसके बाद में तुम अपने चोर का वध करो भैया, और तो कोई उपाय है नहीं। भोले बाबा बड़े असमंजस में फंस गए, सोचने लगे भाई इनकी पत्नी का तो कोई दोष नहीं है, तो निर्दोष है, हम इसे कैसे मारे। भोले बाबा अपने क्रोध को शांत करके करते वहां से चले आए, और जब वहां से चले आए लेकिन वो तोता एक दो दिन नहीं 12 साल हो गए छुपे छुपे। एक दिन भगवान बोले हैं, क्यों भाई ऐसे जब तक छुपे रहोगे, बच्चा बन करके जन्म के लिए लेते, अंदर से आवाज आई है भगवान नारायण हम पागल नहीं है, क्यों जब तक ये दुनिया मोह में है हम जन्म नहीं लेंगे। तो भगवान ने तो घड़ी के लिए दुनिया को निर्मोही कर दिया, किसी से किसी का कोई मोह नहीं, तो जन्म लय हो सुख दे बने, बिना लाल पेटे अंग लगे भगत बनी को, तो फले व्यास जी संग। भक्त जनों, सुखदेव जब भागने लगे हैं तो व्यास पीछे पीछे भाग रहे हैं, बोले बेटा रुक जाओ। सुखदेव बोले हैं वापस लौट जाओ, कोई किसी का बाप नहीं और कोई किसी का बेटा नहीं। हैरान होकर के व्यास वापस लौट आए, वन में जाकर के सुखदेव ने घनघोर तपस्या की है, इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, उस तपस्या को देख करके देवताओं का राजा इंद्र घबरा गया। एक बात और बताऊंगा, ये इंद्र क्यों घबराता था, ये इंद्र किसी को तपस्या क्यों नहीं करने देता था, इंद्र कहते किसे हैं? देखो इंद्र किसी का नाम नहीं था, इंद्र नाम की पदवी थी, पदवी जैसे आजकल पदवी है प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, एमएलए एमपी, ऐसी पदवी हुआ करती थी। पहले जो तपस्या में सफल हो जाता था वही देवताओं का राजा इंद्र बना दिया जाता था। इंद्र सोचने लगा है कि सुखदेव हमारा सिंहासन छीनना चाहता है, लेकिन सुखदेव को तपस्या में सफल नहीं होने देंगे। रंभा से गए हैं, रंभा सुखदेव की तपस्या भंग कर गया, चली है वो रंभा सुखदेव को डिगाने के लिए। ऐसा ही नहीं, वहां